नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत का HL अमेरिकी ड्रोन इंजनों की मरम्मत करेगा। फ्रांस के साफरान के साथ नए हेलीकॉप्टर इंजन का विकास भी करेगा। जी हां दोस्तों, साफरान और HL आने वाले महीनों में इस जॉइंट वेंचर के विकास पर काम करना जारी रखेंगे, जिसका उद्देश्य न केवल IMRH के लिए इंजन विकसित करना है बल्कि अन्य हेलीकॉप्टरों के लिए भी HL ने इंजन विकसित करना है। दोस्तों, भारत की सरकार द्वारा संचालित रक्षा और एरोस्पेस फर्म हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HL जल्द ही अमेरिकी मूल के MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन के इंजनों का रखरखाव और मरम्मत करेगी, जो भारतीय नौसेना द्वारा उपयोग में है। HL 13 टन वर्ग के भारतीय हेलीकॉप्टरों के लिए इंजन के संयुक्त विकास पर फ्रांसीसी फर्म साफरान के साथ भी काम करेगा, जिसे भारतीय मल्टीरोल हेलीकॉप्टर IMRH के रूप में जाना जाता है। HL ने यह भी घोषणा की है कि उसे अपने स्वदेशी रूप से विकसित कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर FDR के लिए नागरिक अपग्रेड महानिदेशालय DGCA से ITSO भारतीय तकनीक मानक आदेश प्राधिकरण मतलब अथॉरिटी प्राप्त हुआ है, जिसे आमतौर पर ब्लैक बॉक्स के रूप में जाना जाता है। एक नारंगी रंग का बॉक्स जो महत्वपूर्ण उड़ान डेटा रिकॉर्ड करता है, जो विमान दुर्घटना के मामले में कारण का पता लगाने में मदद करता है। बेंगलुरु स्थित फर्म ने बेंगलुरु के यलंका वायुसेना स्टेशन में चल रहे 5 दिवसीय एरो इंडिया कार्यक्रम के दौरान यह खुलासा किया है। दोस्तों, जनरल एटॉमिक्स MQ-9B हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस हेल ड्रोन वर्तमान में समुद्री निगरानी आवश्यकताओं के लिए भारतीय नौसेना द्वारा उपयोग में है। जहाँ भारतीय नौसेना जनरल से लीज पर लिए गए ड्रोन का इस्तेमाल करती हैं, वहीं भारतीय सेना नौसेना और वायुसेना के लिए 30 MQ-9B ड्रोन 10-10 खरीदने का प्रस्ताव है। बेंगलोर में HL इंजन डिवीजन में इन ड्रोन इंजनों के रखरखाव मरम्मत ओवरऑल का महत्व यह देखते हुए हैं कि भारत के रणनीतिक उपयोग के लिए इन ड्रोन को खरीदने के लिए बातचीत चल रही है। दोस्तों, HL पिछले 40 वर्षों से TPE 331-5 इंजनों के लिए MRO समर्थन निर्माण और प्रदान कर रहा है। हम ST-40 हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर परियोजना के लिए TPE 331-12B इंजन के निर्माण की सुविधा भी स्थापित कर रहे हैं। HL के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक CB अनंत कृष्णन ने कहा, MQ-9B रिमोटली पायलट एयरक्राफ्ट सिस्टम RPSS पर इस्तेमाल किया गया इंजन RPS तकनीक के अनुकूल उन्नत कॉन्फ़िगरेशन वाले इंजनों के लिए भी परिवार से संबंधित है। भारतीय मल्टीरोल हेलीकॉप्टर के रूप में जाने जाने वाले 13 टन वर्ग के हेलीकॉप्टर और उसी से एक नौसैनिक संस्करण के लिए, जिसे डेक आधारित मल्टीरोल हेलीकॉप्टर DBMRH के रूप में जाना जाता है, फ्रांस के साफरान हेलीकॉप्टर इंजन और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HL ने हस्ताक्षर किए और संयुक्त रूप से विकसित इंजन के लिए वर्कशेयर समझौता इसके हिस्से के रूप में HL कुछ प्रमुख इंजन कंपोनेंट के डिज़ाइन विकास और उत्पादन में भाग लेगा, जो देश में विशेषता और जानकारी के मामले में एक बड़ी उपलब्धि है। जैसा कि हेलीकॉप्टर विकसित किया जा रहा है, HL भारतीय सशस्त्र बलों के लिए उसी की परिचालन आवश्यकताओं के लिए चर्चा जारी रखे हुए हैं। एक हाई एनर्जी इंजन का संयुक्त विकास साफरान हेलीकॉप्टर इंजन जैसे सक्षम भागीदार के साथ क्षेत्र में HL की बढ़ती क्षमताओं में एक नया मील का पत्थर है। हमें भरोसा है कि इंजन भारतीय रक्षा ग्राहकों की अत्यधिक सख्त और मांग वाली आवश्यकताओं को पूरा करेगा। साफरान हेलीकॉप्टर इंजन के CEO फ्रैंक साडो ने टिप्पणी की, हमें HL के इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम से जुड़कर बहुत गर्व हो रहा है और दशकों से अपने साथी HL को एक बार फिर से समर्थन देकर बहुत खुशी हो रही है। हालांकि यह कार्यक्रम भारतीय एरोस्पेस परिस्थिति तंत्र और HL के लिए कई उन्नत टेक्नोलॉजी लाएगा, यह भारतीय सशस्त्र बलों को अत्याधुनिक समाधान भी प्रदान करेगा। साफरान और HL आने वाले महीनों इस संयुक्त उद्यम के विकास पर काम करना जारी रखेंगे, जिसका उद्देश्य न केवल IMRH के लिए इंजन विकास करना है बल्कि हेलीकॉप्टरों के लिए भी, HL ने कहा है। दोस्तों, MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन हम पहले 18 की संख्या में खरीद रहे थे दोस्तों, और उसके बाद अमेरिका के CEO विवेक लाल जी ने भारत के प्रधानमंत्री से बात की और 30 MQ-9 ड्रोन के लिए कहा, और उन्होंने कहा कि आप 30 ड्रोन खरीदोगे तो उसके बाद ही हम ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी दे पाएंगे। और दोस्तों, MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन के 331-5 टर्बो ट्रेनर जो इंजन है उसका मेंटेनेंस और ओवरहॉल भी भारत में किया जाएगा, और दोस्तों इसके इंजन का निर्माण भी भारत में हो सकता है। यह भारत के लिए बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है दोस्तों। इस तरह के UAV का फिर भारत में निर्माण किया जाएगा आसानी से, क्योंकि दोस्तों हमारे को प्रीडेटर ड्रोन की टेक्नोलॉजी भी भारत के पास आ जाएगी। इसके इंजन के मेंटेनेंस और ओवरहॉल और इसके इंजन को विकसित करने के टेक्नोलॉजी भी भारत के पास आएगी, तो भारत इस प्रकार के हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन आसानी से भारत में बना सकेंगे दोस्तों। और उसके बाद भारत IMRH जो 13 टन के मीडियम क्लास के अटैक हेलीकॉप्टर होंगे या मिडिल क्लास के दोस्तों भारतीय वायुसेना के लिए ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर होंगे या नौसेना के लिए जो मिडिल क्लास के हेलीकॉप्टर होते हैं 13 टन के, उनके लिए भी इंजन साफरान के साथ
ज्वाइंट वेंचर करके विकसित किए जा रहे हैं। दोस्तों भारतीय नौसेना के लिए हाई थ्रस्ट इंजन का विकास किया जाएगा और भारतीय वायुसेना के लिए थोड़ा इंजन जिसमें थ्रस्ट इतनी ज़्यादा नहीं होगी पर दोस्तों वो 13 टन के हेलीकॉप्टर को झेल सकेगा, उस तरह के इंजन का निर्माण किया जाएगा। तो दोस्तों सापरान के साथ HAL मिलकर लगभग 2 या 3 इंजन का विकास किया जाएगा, उनमें से फिर 2 इंजनों को चयन किया जाएगा और भारत के IMRH प्रोग्राम के लिए उनको चुना जाएगा। दोस्तों उसके बाद भारत हैवी क्लास के हेलीकॉप्टर पर भी काम करेगा और उस पर उसके लिए भी इंजन का निर्माण करेगा। तो धीरे धीरे दोस्तों भारत के हेलीकॉप्टर के इंजनों की और हेलीकॉप्टर की सारी टेक्नोलॉजी भारत के पास आ जाएगी। भारत दोस्तों अपाचे जैसे अटैक हेलीकॉप्टर, मिडिल क्लास के अटैक हेलीकॉप्टर पर भी काम कर रहा है और दोस्तों इस तरह के इंजन का निर्माण सापरान से होने के बाद दोस्तों इस प्रकार के अपाचे हेलीकॉप्टर की तरह हेलीकॉप्टर भी भारत में निर्माण किया जाएगा। दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से लाइट अटैक हेलीकॉप्टर LCH मतलब हमने प्रचंड हेलीकॉप्टर का निर्माण किया है, वो पूरी तरह से स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और दोस्तों वह हाई एल्टीट्यूड पर जा सकता है, 14,000 फीट की ऊंचाई पर सियाचिन में उड़ सकता है। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी तक किसी हेलीकॉप्टर ने पूरा नहीं किया है और दोस्तों अपाचे हेलीकॉप्टर को उड़ाने की एक्सपीरियंस भारतीय वायुसेना के पास है और HAL और DRDO के पास अपाचे हेलीकॉप्टर की टेक्नोलॉजी भी है। तो दोस्तों इस तरह से हम मीडियम क्लास के अटैक हेलीकॉप्टर का भी निर्माण कर सकेंगे और दोस्तों इसके एक सिविलाइज वर्जन पर भी काम किया जा रहा है जो मीडियम क्लास के 15 से 20 या जो उससे भी ज़्यादा VIP सिविलियन होंगे, हमारे प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री, इनके लिए लाने ले जाने के लिए हेलीकॉप्टर का निर्माण किया जाएगा दोस्तों, वो भी 13 टन क्लास का होगा। दोस्तों भारत में अब MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन के इंजन और IMRH हेलीकॉप्टर के इंजन का निर्माण किया जाएगा और मेंटेनेंस किया जाएगा। दोस्तों आपकी क्या राय है, आपकी राय महत्वपूर्ण है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।